आप सभी प्रशिक्षुओं का इस सत्र में स्वागत है। आज के इस सत्र में हम भारतीय शिक्षा की उस विकास यात्रा को समझने की कोशिश करेंगे जिसके वर्तमान में या जिसके आज में हम खड़े हैं। शिक्षा की, भारतीय शिक्षा की उत्पत्ति विषय पर हमारे साथ चर्चा के लिए आज विश्व भारती शांति निकेतन के शिक्षा संकाय के सहाचार्य डॉक्टर आशीष श्रीवास्तव जी हैं। आपका सबकी ओर से हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। भारतीय शिक्षा की उत्पत्ति पर आज हम इनके साथ अपनी चर्चा की शुरुआत करेंगे। जैसा कि ज्ञात है, हम सब जानते हैं कि एक लंबा इतिहास है भारतीय शिक्षा का। चूंकि लिपि नहीं पढ़ी जा सकी है, इसलिए हम हड़प्पा से इस इतिहास की शुरुआत अभी भी मानने में संकोच करते हैं। लेकिन यदि अनुमान लगाएं तो हमारा इतिहास हड़प्पा के उस अनलिखे बल्कि लिखे हुए इतिहास का ये, जहाँ पकी हुई ईंटें हैं, ढकी हुई नालियाँ हैं, तांबे और कांसे, तांबे और टीन के मिश्रण से कांसा है, लोथल में बंदरगाह है, 16 का गुनज है, बच्चों के खिलौने खुदाई में मिलते हैं, ऐसी चीज़ें इस बात की गवाह हैं कि भारत में शिक्षा की शुरुआत वैदिक काल से के पहले से ही होती है। हम आज जिस विषय पर अपनी चर्चा केंद्रित करेंगे वह आधुनिक भारतीय शिक्षा के संदर्भ में अधिक होगा। आशीष जी से अब आग्रह है कि वे इस विषय पर अपनी चर्चा की शुरुआत करें। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। धन्यवाद प्रोफेसर त्रिपाठी, आपने मेरे मन की बात कही, क्योंकि जब ये विषय मुझे मिला तो मेरे मन में कुछ उथल पुथल थी कि भारतीय शिक्षा की उत्पत्ति की बात कर रहे हैं हम या आधुनिक भारतीय शिक्षा की उत्पत्ति की बात कर रहे हैं। अगर हम भारतीय शिक्षा की उत्पत्ति की बात कर रहे हैं तो भारतीय शिक्षा की उत्पत्ति को आप तो बहुत ही पीछे गए, हड़प्पा से कह रहे हैं। मैं ऐसा सोचता हूँ कि भारतीय शिक्षा की उत्पत्ति अगर हमको समझनी है तो भारतीय शिक्षा की उत्पत्ति ऋग्वैदिक शिक्षा को समझे बिना, अन्य वेदों में शिक्षा को समझे बिना, उत्तर वैदिक शिक्षा को समझे बिना, सूत्र साहित्य में वर्णित शिक्षा को समझे बिना, पाणिनि के समय में जो शिक्षा का स्वरूप रहा है उसको समझे बिना, कौटिल्य अर्थशास्त्र में जो शिक्षा का स्वरूप रहा है उसको समझे बिना, महाकाव्यों, खास करके जैसे हमारा महाभारत है, उस दौरान शिक्षा के स्वरूप को समझे बिना, बौद्ध शिक्षा के स्वरूप को समझे बिना, और मैं इसको बहुत ही महत्वपूर्ण मानता हूँ, जातकों में जो वर्णित शिक्षा है उसको समझे बिना, और इन सारी जो ये सारा जो हमारी यात्रा है, इस यात्रा को फाहियान के संदर्भ में, 15वीं शताब्दी में जो फाहियान भारत की यात्रा करता है उसके संदर्भ में समझे बिना, और 17वीं शताब्दी में ह्वेनसांग के संदर्भ में इसको समझे बिना आगे नहीं बढ़ा सकता। और भारतीय शिक्षा की उत्पत्ति को समझना है तो विश्वविद्यालयों जैसे नालंदा, वल्लभी, विक्रमशिला, जगदाला, उदंतपुरी, मिथिला, नादिया में जो शिक्षा का स्वरूप और प्रारूप रहा है इसको समझना ज़रूरी होगा। लेकिन जितना मैं समझ पाया, मुझे लगता है कि भारतीय शिक्षा की इस उत्पत्ति का संदर्भ यहाँ नहीं है, और इसीलिए मैंने आधुनिक भारतीय शिक्षा जो है, जो आज हमारी शिक्षा है, इसकी उत्पत्ति की शायद ये बात समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो क्या हम लोग इसको औपनिवेशिक शिक्षा के रूप में समझें या? बिल्कुल 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 बिल्कुल। हमारा तात्पर्य आधुनिक भारतीय शिक्षा के केंद्र को यदि जानना हो तो उसका चरित्र क्या औपनिवेशिक शिक्षा से मिलता जुलता कुछ होगा या नहीं? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। जो हमारा आधुनिक भारतीय शिक्षा का स्वरूप है इसको अगर हम देखें ऐतिहासिक रूप से तो 1757 की जो प्लासी का जो युद्ध होता है जी, उस युद्ध के बाद जो बंगाल के माध्यम से भारत में मिशनरियों का और ब्रिटिश का आगमन होता है, ईस्ट इंडिया कंपनी का जो आगमन होता है, वहां से हम इसकी जड़ें खोजने की कोशिश करेंगे। क्योंकि उसके पहले हम लोगों के पास मतलब शिक्षा की जो व्यवस्था है जी, वो चतुष्पदीय है, टोल घटिका झारन है हमारे जी, पास जी, और मकतब और मदरसों की शिक्षा भी है, निम्न और उच्च शिक्षा की व्यवस्था है। तो यह जो एक नई शासन व्यवस्था आ रही है और वह अपने साथ जिस तरह की शिक्षा व्यवस्था लेके आ रही है, जिसका एक तरह से निर्णायक मोड़ प्लासी का मैदान है, जहाँ से यह तय होता है कि बंगाल पर अधिकार किसका होगा और भविष्य में भारत का अधिकार किसका होगा। बिल्कुल ठीक बात। तो मैं आधुनिक भारतीय शिक्षा की उत्पत्ति के जड़ के रूप में प्लासी का जो युद्ध है, उसके बाद जो बंगाल पर उनका अधिकार होता है और फिर भारत की तरफ जो बढ़ने की उनकी कोशिश है, वहां से देखने की कोशिश करता हूं। इसमें सबसे पहले मैं देखता हूं मिशनरियों का जो प्रयास हुआ, और मिशनरियों का जो प्रयास था उसमें शिक्षा उनकी मूल भावना नहीं थी, उनकी मूल भावना थी धर्म का प्रसार करना, ईसाई धर्म का प्रसार करना। लेकिन वो थोड़े अकलमंद लोग थे, उनको ये समझ में आ गया था
कि धर्म का प्रसार करने के लिए शिक्षा को एक हथियार के रूप में इस्तेमाल किया जाए। लेकिन इस प्रसार को, उनके इस प्रसार को बहुत ज़्यादा प्रशंसा नहीं मिली, बल्कि आलोचना हुई इनकी। लेकिन खैर, इन्होंने अपने प्रयास इस लेवल पर किए और धर्म के प्रसार के लिए शिक्षा का प्रयोग किया। दूसरा प्रयास मैं देखता हूँ श्रीरामपुर त्रिमूर्ति, कलकत्ता के पास एक जगह है श्रीरामपुर जी, जी। वहाँ पर ये तीन सज्जन थे, विलियम कैरी, विलियम वार्ड और मार्शमैन। ये तो भारतीय संत की मुद्रा में ही रहते थे, सुना है। जी जी जी। तो इन्होंने, इन तीनों लोगों ने भी क्या वहाँ पर धर्म का प्रसार करने का, इनका जो मूल भावना थी वो धर्म का प्रसार करने की थी, और धर्म का मूल प्रसार करने के लिए इन्होंने पाश्चात्य शैली के विद्यालय खोले। तो इन्होंने भी शिक्षा का ही को ही एक हथियार बनाया अपना बढ़ने के लिए। लेकिन औपचारिक रूप से अगर हम देखें तो आधुनिक भारतीय शिक्षा का जन्मदाता जिसको हम मानते हैं सो कॉल्ड चार्ल्स ग्रांट, तो चार्ल्स ग्रांट से इसकी जड़ें मजबूत होनी शुरू होती हैं, और चार्ल्स ग्रांट के शैक्षिक प्रयास जो रहे हैं उन प्रयासों से आधुनिक भारतीय शिक्षा की जड़ें पड़ती हैं। चार्ल्स ग्रांट ने पंचसूत्री योजना अपनी प्रतिपादित की थी, और इसकी पंचसूत्रीय जो योजना थी, उस पंचसूत्रीय योजना में विद्यालयों की स्थापना करना पहली योजना थी, अंग्रेजी माध्यम शिक्षा का माध्यम हो ये उसकी दूसरी योजना थी, अंग्रेजी साहित्य का प्रचार और प्रसार किया जाए ये उसकी तीसरी योजना थी, और उसका चौथा जो योजना थी वो यह थी कि पाश्चात्य ज्ञान और विज्ञान का विकास भारत के जमीन पर किया जाए। और इसके अलावा जो उसका उसकी जो मूल भावना थी वो भी, जो उसके पिछले जो लोग थे उनसे अलग नहीं थी, ईसाई धर्म का प्रसार करना भी उसकी मूल भावना थी। और चूंकि ये पंचसूत्रीय योजना थी, इसमें विद्यालय की बात करी, अंग्रेजी माध्यम की बात करी, अंग्रेजी साहित्य की बात करी, पाश्चात्य ज्ञान और विज्ञान की बात करी, तो इन सारे जो इसका कंट्रीब्यूशन था, इसका जो उनका कंट्रीब्यूशन था, उस कंट्रीब्यूशन के बेसिस पर इनको ये कहा गया कि आधुनिक भारतीय शिक्षा के जन्मदाता हैं चार्ल्स ग्रांट जन्मदाता हैं। और सच बात ये थी कि ब्रिटिश शासन जो था उस समय का, वो चार्ल्स ग्रांट के जो ये शैक्षिक प्रयास और इनकी योजना थी उनसे बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ, और उसको लगा कि नहीं ये ठीक है, और अगर भारत पर अपना लंबा शासन करना है और भारत को अपने कब्जे में रखना है तो चार्ल्स ग्रांट का जो सलाह है उस पर अमल किया जाना चाहिए। और इस बात को आगे बढ़ाते हुए 1813 का आज्ञा पत्र आता है। 1813 का जो आज्ञा पत्र है वो चार्ल्स ग्रांट की नीतियों का एक तरह का विस्तार है, और इसमें जो मैं यहाँ पर जो चर्चा है वो ये है कि धारा 43 रखी उन्होंने एक आज्ञा पत्र में, और धारा 43 में कहा गया कि भारतीय शिक्षा की व्यवस्था करने के लिए 1,00,000 रुपए का प्राविधान किया जाएगा। लेकिन अतिरिक्त आय से यह भी था कि यदि अतिरिक्त आय होती है तो उसमें से 1,00,000 रुपए का प्रावधान हम भारतीय शिक्षा के लिए और भारतीय ज्ञान विज्ञान के विकास के लिए करेंगे। जो मतलब एक तरह से विवाद का मुद्दा भी बना, जहां से प्राच्य पाश्चात्य विवाद की शुरुआत मानी जाती है। जी बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन 1,00,000 रुपए जब अनाउंसमेंट हुआ, इसका जब घोषणा हुई, तो एक उत्साह का संचार हुआ भारतीयों के बिल्कुल, लेकिन बिल्कुल। ये उत्साह बहुत ही जल्दी ठंडा हो गया क्योंकि ये 1,00,000 रुपए थे, इसको खर्च कहाँ किया जाए, किस पर खर्च किया जाए। जैसे कि आपने कहा कि यहाँ से प्राच्य और पाश्चात्य विवाद खड़ा होता है, क्योंकि जो इनका स्टेटमेंट था उस स्टेटमेंट में दोनों बातें करते हैं, उन दोनों बातों में ये था कि जो भारतीय साहित्य है उसका उत्थान किया जाए और पाश्चात्य जो ज्ञान और विज्ञान है उस पर उसका भी उत्थान किया जाए। लेकिन नीति के अभाव से विवाद पैदा हुआ, और इस विवाद से बहुत बड़ा विवाद निकला जिसको हम प्राच्य और पाश्चात्य विवाद के नाम से जानते हैं। मतलब ये था कि हम अपना जो है वो पढ़ें या उनका पढ़ें जो हमारे शासक हैं। ये प्राच्य पाश्चात्य विवाद को हम सामान्य ढंग से ऐसे समझ सकते हैं कि ये तय करना था कि हम जो पढ़ रहे थे या जो पढ़ते हुए आ रहे थे इसी को आगे जारी रखें, या उनका जो कुछ है उसको महत्वपूर्ण मानते हुए बिल्कुल उसे पढ़ें। लेकिन वो शासक थे हमारे, ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन था उस समय, और ये विवाद भी ईस्ट इंडिया कंपनी के भीतर ही होता है। जी, जी। उन्हीं के यहाँ जो कार्यरत लोग हैं, आप 1815-13 के चार्टर पर यदि देखें तो उसके भीतर ही, ईस्ट इंडिया कंपनी के भीतर ही ये दोनों दल हैं। एक और भी स्वर था जिसे इतिहास ने नहीं सुना, और वह था देशज शिक्षा का स्वर। कुछ ऐसे भी लोग थे जिन्होंने कहा कि इस देश में तो अपनी प्रणाली है पूरी की पूरी, जिसको सुरक्षित रखना चाहिए। आगे आप शायद जिसकी चर्चा करेंगे, एडम्स रिपोर्ट की चर्चा आप 1823 से लेकर और 33 तक जो बिहार बंगाल उड़ीसा में उन्होंने किया और पाया कि यहाँ
हर 1 से 15 विद्यार्थी पर एक शिक्षक जी, और लगभग 1 लाख विद्यालय थे जी। तो देशज व्यवस्था एक थी हमारे यहाँ हाँ, लेकिन यहाँ से जो शुरुआत होती है 13 से 23 तक का काल हाँ, फिर 33 का हाँ, काल फिर मैकाले का आना हाँ, बड़ा तो, महत्वपूर्ण है। तो जो हमारी जो उपलब्ध साहित्य है उसमें 1813 के बाद का जो काल है उस काल को एक तरह से हटा दिया गया है और मैकाले को ही सीधे हम मानते हैं, बिल्कुल ठीक बात है। और 1834 में मैकाले भारत आता है हाँ। एक विधि विशेषज्ञ के रूप में, विधि सदस्य के रूप में आता है और मैकाले को ये जिम्मेदारी दी जाती है कि वो जो 1813 में जो धारा 43 है उसका अध्ययन करे और उस पर उसकी क्या राय है, उस राय को वो हमारे साथ शेयर करें। मैकाले ने धारा 43 का अध्ययन किया और मैकाले बहुत ही चतुर और विद्वान भी और अपने विषय से प्रेम करने वाला, ये समझना चाहिए। आज जब हम जिस समय में बैठे हैं हमें यह मानना चाहिए कि मैकाले अपने विषय से, अंग्रेजी का विद्वान था जी, जी। तो इसलिए अपने विषय से प्रेम करता था और वो चाहता था कि उसका विषय आगे बढ़े, बिल्कुल और सत्ता वर्ग का प्रतिनिधि था वो जी। और अपने विषय के प्रति प्रेम करता था, अपने विषय को उसने आगे बढ़ाया और मैकाले को ऐसे समझने की जरूरत। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। तो मैकाले ने सबसे पहले तो 1 लाख रुपए का जो विवाद था उसको सुलझाया और सुलझाने की प्रक्रिया में एक लाइन में उसने सलाह दे दी कि ये जो 1 लाख रुपए हैं इसको खर्च करने की जो फ्रीडम है, इसकी स्वतंत्रता है, वो गवर्नर जनरल के पास होगी, वो जैसा चाहें जहां चाहें खर्च कर सकते हैं। दूसरा, मैकाले ने भारतीय शिक्षा को बहुत ही हेय दृष्टि से देखा और हर कदम अगर आप देखें मैकाले का तो वो भारतीय शिक्षा, भारतीय परंपरा, भारतीय प्रणाली की आलोचना करता है और अंग्रेजी को सर्वोपरि मानता है और ये कहता है कि अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम होना चाहिए। और साथ ही साथ वो ये भी कहता है कि उस समय बहुत सारे भारतीय भी थे जो अंग्रेजी शिक्षा की मांग कर रहे थे ब्रिटिश से, बिल्कुल कर रहे थे, तो उन्होंने उसको ये मौका मिला और उसने कहा कि भारतीय भी अंग्रेजी माध्यम में शिक्षा चाहते हैं, बिल्कुल ठीक, और इसीलिए अंग्रेजी को भारतीय शिक्षा का माध्यम बनाया जाए। भारतीय साहित्य का तिरस्कार किया, अब क्योंकि उसने भारतीय साहित्य पढ़ा ही नहीं था ना, उसको मतलब समझ ये बनी कि भारत में तो नमक के पहाड़ और शहद के समुद्र होते हैं, तो उसने इतना ही भर पढ़ा था। भारतीय साहित्य को या हमारी जो विरासत थी उसे पढ़ने की क्षमता वास्तव में मैकाले के पास थी नहीं और हम इसकी अपेक्षा उससे नहीं कर सकते थे, इसलिए उसके पास और कोई शासक क्या करेगा भाई। बहुत सामान्य सी बात है कि हम इनकार करने के लिए, नकारने के लिए कोई ना कोई रास्ता तलाशते हैं जी। हम पढ़े लिखे लोग भी क्या करते हैं, जो बात समझ में नहीं आती है सामने वाली की तो मुस्कुरा के ये जताते हैं कि सब समझ रहे हैं जी। लेकिन वास्तव में समझते तो होते नहीं है। तो वैसे ही मैकाले ने भारतीय शिक्षा, भारतीय दर्शन, भारतीय ज्ञान विज्ञान को जाना ही नहीं था, कुछ मोटी 2-3 बातें पकड़ ली और उन्हीं बातों के सहारे इस निष्कर्ष पर इसलिए पहुंच सका क्योंकि वो सत्ताधारी वर्ग का व्यक्ति था और उसने कह दिया कि भाई भारत में तो कोई ज्ञान विज्ञान जैसी कोई चीज ही नहीं है, यहाँ तो जो कुछ है सब पश्चिम के किसी एक पुस्तकालय की एक अलमारी में रखने लायक है। बिल्कुल, ऐसी ऐसे ऐसे वक्तव्य उसने दिए और कमाल यह है कि आज भी हम भारत के लोग उसको ढो रहे हैं, मैकाले को ढो रहे हैं, बिल्कुल सही है। और उसका ये जो एक कथन था कि संपूर्ण भारतीय साहित्य यूरोप के किसी पुस्तकालय में रखी हुई एक अलमारी के साहित्य के बराबर भी नहीं है, उसने वह इतिहास जाना ही नहीं कि कितने महीनों तक नालंदा और विक्रमशिला के पुस्तकालय जलते रहे। बिल्कुल, तो जितना जल गया उससे ज्यादा शेष बचा हुआ था इस देश के पास, इसलिए तो उस मैकाले का की जो मूल मंशा थी वो ये थी कि अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बना करके रंग और रूप में भारतीय लोगों को सोच में अंग्रेज बना दिया जाए ताकि जो अंग्रेज ब्रिटिश शासन है उस शासन को भली भांति तरीके से चलाया जा सके। सही बात। मैकाले के बाद जो अगला पड़ाव है वो है वुड का घोषणा पत्र और यहाँ से थोड़ा थोड़ा सुधार आना शुरू हुआ क्योंकि भारतीयों की मांग बढ़ती गई, उनका संतुष्टिकरण बढ़ता गया। तो वुड का जो घोषणा पत्र है उसको सर चार्ल्स वुड 1953 में लेकर के आए थे और भारत में अंग्रेजी शिक्षा का महाधिकार पत्र, मैग्ना कार्टा इसको कहा जाता है जी। और इस मैग्ना कार्टा या महाधिकार पत्र ने भारतीय शिक्षा को एक नया मोड़ देने की कोशिश करी। बिल्कुल। और इस मोड़ में उसने वुड के इस घोषणा पत्र ने शिक्षा नीति के संगठन के उद्देश्य क्या हो इस पर चर्चा की। शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी व अन्य देशी भाषाएं, क्योंकि उसको समझ में आ गया था कि भारत में जो देशी भाषाएं हैं जो उनका वर्नाकुलर से उसको इग्नोर करके असंतुष्टि को बढ़ाना होगा, तो उसने अंग्रेजी के साथ साथ अन्य देशी भाषाओं की भी वकालत की।
इसके अलावा सहायता अनुदान प्रणाली पर चर्चा हुई इस घोषणा पत्र में, सरकारी संस्थाओं में स्वैच्छिक धार्मिक शिक्षा, क्योंकि उसको समझ में आ गया था कि धर्म को लेकर के भारत में यहाँ छेड़छाड़ करना उचित नहीं है, इसलिए उसने सरकारी संस्थाओं में स्वैच्छिक धार्मिक शिक्षा की वकालत अपने इस घोषणा पत्र में की। इसके अलावा इसने एक बात पर बल दिया जो कि आज भी हम उस पर बल दे रहे हैं, अध्यापकों का प्रशिक्षण। अब उनकी जो मंशा और फ्रेम होगा वो तो डिफरेंट होगा निश्चित रूप से, अध्यापकों के प्रशिक्षण पर उसका बल रहा। महिलाओं की शिक्षा के लिए उसने वकालत की बिल्कुल, और विश्वविद्यालयों की स्थापना पर जोर दिया। ये एक नई बात थी, और मुझे लगता है कि शायद वुड के घोषणा पत्र का रिजल्ट ही था मुंबई, कलकत्ता और मद्रास की जो तीन विश्वविद्यालय आए। लेकिन ये विश्वविद्यालय भारतीय तर्ज पर नहीं थे, नहीं यहाँ बिल्कुल, क्योंकि भारत के जो प्राचीन विश्वविद्यालय थे वो अध्ययन अध्यापन के केंद्र थे, लेकिन लंदन विश्वविद्यालय जो था वो सिर्फ परीक्षाएं संचालित करने वाला विश्वविद्यालय था बिल्कुल। तो आरंभ में आया हुआ कलकत्ता विश्वविद्यालय हो या मद्रास विश्वविद्यालय हो या मुंबई विश्वविद्यालय हो, ये तीनों ही विश्वविद्यालय सिर्फ परीक्षा संचालित करने वाले विश्वविद्यालय, एक तरह की एजेंसी बन गई है। और दो चीजें और इसने स्थिर कर दी एक तरह से भारतीय शिक्षा में उस डिस्पैच ने, कि एक तो भारतीय शिक्षा का स्तरीकरण किया जी, वो प्राथमिक माध्यमिक कॉलेज और विश्वविद्यालय वाला जी, और अनुदान सहायता अनुदान प्रणाली की एक ये दो बातें कि 90 पैसा तुम्हारा 10 पैसा मेरा जी, लेकिन मैं ये तय करूंगा कि शिक्षक कौन होगा, उसका शिक्षा का क्या पढ़ाया जाएगा और परीक्षा कैसे ली जाएगी जी, तो सब कुछ मेरे हाथ में होगा, लेकिन अभी भी 90 पैसा तुम्हारा खर्च होगा, 10 ही पैसा मेरा। ये बड़ा अच्छा काम उर्स ने किया, और जन शिक्षा के प्रसार पर भी इनका जोर था, जन शिक्षा के प्रसार जी। वुड के घोषणा पत्र के बाद अगर हम अगला पड़ाव देखें तो स्टेनली का आज्ञा पत्र आता है, और स्टेनली के अब धीरे धीरे उत्तरोत्तर हम सुधार देखने की कोशिश, मतलब हमको दिखाई पड़ेगा। स्टेनली के आज्ञा पत्र में पहली बात ही कहता है कि सरकार प्राथमिक शिक्षा का दायित्व अपने ऊपर ले जी, और इसका बहुत महत्व भी रहा और इसका बड़ा प्रभाव पड़ा। इसके अलावा उसने सहायता अनुदान प्रणाली को ये कहा कि सहायता अनुदान प्रणाली जो है वो माध्यमिक और उच्च शिक्षा तक सीमित रहे, प्राथमिक शिक्षा को राज्य अपना संचालित करे। लेकिन उसने एक बात जोड़ी और ये कहा कि प्राथमिक शिक्षा के लिए जहाँ जरूरत हो और जहाँ किया जा सके उसके लिए स्थानीय कर का प्रावधान किया। इसने भी अध्यापकों के प्रशिक्षण पर बल दिया। स्टेनली के आज्ञा पत्र के बाद जो अगला पड़ाव है वो है भारतीय शिक्षा आयोग, या जिसको हम हंटर आयोग के नाम से जानते हैं। पहला आयोग है भारतीय शिक्षा के इतिहास में, जिसको भारतीय नाम से संबोधित किया, भारतीय शिक्षा आयोग जी। और मुझे लगता है कि शायद अब तक ब्रिटिश शासन को समझ में आ गया था कि देशी भाषाओं को अगर हम इग्नोर करेंगे तो ये हमारे लिए हितकारी नहीं होगा। इसीलिए अगर आप भारतीय शिक्षा आयोग की संस्तुतियां देखें तो ये साफ समझ में आता है कि जैसे इन्होंने देसी शिक्षा को प्रोत्साहन दिया बिल्कुल, और इसके अलावा प्राथमिक शिक्षा के लिए राज्य के अधिक प्रयासों इस पर इन्होंने बल दिया, और इन्होंने माध्यमिक शिक्षा का प्रसार करने पर बल दिया, उच्च शिक्षा का प्रसार करने पर बल दिया। इसके अलावा नारी शिक्षा पर उच्च शिक्षा और नारी शिक्षा दोनों पर आवश्यकता अनुसार, उनका यह कहना था इस भारतीय शिक्षा आयोग का कि जहां जरूरत है, जहां मांग है, जहां लगता है आपको, वहां पर उच्च शिक्षा और नारी शिक्षा पर बल दिया जाना चाहिए। आदिवासियों की शिक्षा पर भी इस आयोग ने एक बात कही थी। अच्छा हाँ, और मुझे लगता है कि आधुनिक भारतीय शिक्षा में यदि हम ये पड़ताल करें कि जो वंचित समूह के लोग हैं उनकी शिक्षा की बाबत भारतीय शिक्षा आयोग में उद्बाधित बात की थी, और ये कहा था कि उनकी शर्तों पर जी, यानी ये नहीं कि हम अपनी चीजें उन पर लाद दें जी, अपनी शर्तों पर करें। और स्थानीय निकाय को इन्होंने भी सौंपने, स्टेनले ने जो बात कही थी, भारतीय शिक्षा आयोग ने भी कहा कि स्थानीय निकायों को दे देना चाहिए शिक्षा का अधिकार, और मतलब शिक्षा के प्रसार का हक, और आवश्यकता पड़े तो उनको स्थानीय स्तर पर कर लगाना चाहिए। बिल्कुल। तो अगर हम इस पूरे भारतीय शिक्षा आयोग को देखें तो एक तरह से जो हमारा वुड का जो सुझाव थे वो वुड के सुझाव की पुनरावृत्ति है, लेकिन इसमें जो इंडिजिनस पुट है, इनपुट है, देशी जो मात्रा है उसको जो है बढ़ाया गया है। बिल्कुल। भारतीय शिक्षा आयोग के बाद अगला आयोग हम भारतीय विश्वविद्यालय आयोग 1902। अब सदी बदल चुकी है, 19वीं सदी बीत चुकी है, 20वीं में आ गए हैं जी। तो 20वीं सदी का एक तरह के पहला महत्वपूर्ण आयोग रहा है भारतीय विश्वविद्यालय आयोग। सर थॉमस रेले इसके अध्यक्ष थे, और इस विश्वविद्यालय को ये क्षेत्र दिया गया, कहा गया कि ब्रिटिश भारत में स्थापित विश्वविद्यालयों की दशाओं तथा संभावनाओं की जांच,
बिल्कुल, उनकी जो दशा है वो क्या है और उनमें संभावनाएं क्या क्या हो सकती हैं, इनकी भी जांच की जाए, उनके स्वरूप में क्या परिवर्तन किया जा सकता है, ये जानना। उनके विधान और कार्य प्रणाली पर विचार और शिक्षण स्तर को ऊंचा उठाने पर विचार, ये तीन क्षेत्र बेसिकली इस आयोग के बनाए गए और इन तीनों क्षेत्रों को लेकर के इन्होंने अपने अपना प्रतिवेदन दिया। इसके बाद आता है गोखले का प्रस्ताव, और आज जैसा कि आप जानते हैं बीच में 1905 में लॉर्ड कर्जन ने भी कुछ कर्जन का भी जिक्र है जो हम लोग पाते हैं गोखले के प्रस्ताव के पीछे जी पहले थोड़ा पहले जी ये है लॉर्ड कर्जन का जिसका विरोध हुआ था, क्योंकि उसमें कोई भारतीय नहीं था इसलिए उसका विरोध हुआ जी। और ये बंग भंग का दौर है 1905 स्वदेशी की शुरुआत होती है और उसके दो साल बाद स्वदेशी या देश शिक्षा की मांग करते हुए गुरदास बनर्जी की अध्यक्षता में पहला नेटिव एजुकेशन सोसाइटी बनता है कलकत्ता में जी। तो उसके बाद फिर गोखले का प्रसंग है तो जो गोखले का प्रस्ताव है ये अगर हम देखें तो शिक्षा का अधिकार अधिनियम जो हमारा 2009 आया है इसकी जड़ें अगर हम देखें बिल्कुल तो वो गोखले में जाती हैं पूरे 100 साल बाद गोखले में जाती हैं। और गोखले जो है वो बड़ौदा के महाराज सयाजी राव गायकवाड़ से प्रभावित थे जी, जी। जिन्होंने अपने स्टेट में कंपलसरी एजुकेशन जो है वो लागू किया था और इसके आधार पर उन्होंने एक अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा पर अपना एक बिल बनाया। हालांकि दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से बिल पास नहीं हुआ पहले अटेम्प्ट में, लेकिन फिर भी एक शुरुआत जो है वो हो चुकी थी। 10 से 12 तक उन्होंने इसके लिए संघर्ष किया जी, इंपीरियल लेजिस्लेटिव असेंबली में उन्होंने रखा इस प्रस्ताव को जी बिल्कुल। इसके बाद कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग 1917 और 1919 के दौरान आता है और कलकत्ता विश्वविद्यालय जो एस्टेब्लिश किया गया था उस विश्वविद्यालय की दशा और दिशा की जांच करना और संबंधित समस्याओं पर रचनात्मक नीति बनाने का दायित्व इस आयोग के ऊपर था। और इस आयोग ने जो कुछ महत्वपूर्ण बातें कही वो ये कही कि तो इसमें इंटरमीडिएट की जो कक्षाएं हैं उसको विश्वविद्यालय से विभक्त कर दिया। और दूसरा, चूंकि कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग था, उसने कहा कि भारतीय भाषाओं पर बल दिया जाए और भारतीय शिक्षा व्यवस्था भारतीय भाषाओं में और खास करके मातृभाषा में प्रदान करने की कोशिश की जाए, और इसने भी नारी शिक्षा पर बल दिया। आवासीय विश्वविद्यालयों की बात भी की, दो आवासीय विश्वविद्यालय पटना विश्वविद्यालय और ढाका जी इसी अनुशंसा के आलोक में स्थापित हुए थे। सैडलर की अनुशंसा के आलोक में सर आशुतोष मुखर्जी इस आयोग के सदस्य थे जी, जी जी। इसके बाद अगर हम देखें तो राष्ट्रीय शिक्षा आंदोलन ने गति पकड़ ली जी, जो 1920 से 1922 का एक काल था। और यहाँ पर इस आंदोलन के बाद बहुत ही मुखर रूप से मांग की गई कि शिक्षा पर भारतीय नियंत्रण होना चाहिए। ये मेरा ख्याल है पहला एक ऐसा फोरम था जहाँ पर यह बात बहुत ही मुखर रूप से बाहर आई कि शिक्षा पर भारतीय नियंत्रण हो। और यही नहीं, इसके बाद इन्होंने कहा कि मातृभूमि प्रेम का शिक्षण जो है वो भारत की जो शिक्षण प्रक्रिया है उसमें मातृभूमि प्रेम के लिए शिक्षण की व्यवस्था की जानी चाहिए। और जो तीसरी बात इन्होंने कही और कहने की हिम्मत रखी उस समय वो ये कि पाश्चात्य की अंधी नकल नहीं की जानी चाहिए और भारत के अस्तित्व, भारत का जो इतिहास है, भारत का जो काल है, भारत की जो गौरव गाथा है, उसको उस विरासत को ध्यान में रखते हुए शिक्षा व्यवस्था का आयोजन किया जाए। इसके बाद आता है हर्टोग समिति। हर्टोग समिति ये असल में ये जो समिति थी ये सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में एक समिति बनी थी, उसकी सहायक समिति थी जी जी। और 1929 आते आते क्योंकि 1920-22 में जो राष्ट्रीय शिक्षा आंदोलन हुआ, इस आंदोलन के बाद जो असंतुष्टिकरण था, असंतुष्टि का जो लेबल था, स्तर था, वो बहुत ज़्यादा आगे हो रहा था। तो इस कमेटी का जो गठन था उसके पीछे पूरी भावना यही थी कि जो भारतीयों में जो असंतुष्टि है उस असंतुष्टि को कैसे दूर किया जाए, क्योंकि ब्रिटिश शासन को अपने ऊपर खतरा नजर आने लगा था। बिल्कुल। तो सर जॉन साइमन की अध्यक्षता की समिति की सहायक समिति थी, उसके अध्यक्ष थे सर फिलिप हर्टोग, और उन्होंने भारतीयों की जो असंतुष्टिकरण है उसको दूर करने का प्रयास किया। और मुझे लगता है कि शायद ये पहली ऐसी समिति थी जहाँ पर शिक्षा में जो मात्रात्मकता थी उस पर बल ना देकर के गुणात्मकता पर बल दिया। बिल्कुल सही बात, गुणात्मकता पर बल दिया। और उसके बाद अगर आप देखें तो एबर्ट वुड प्रतिवेदन आता है
एबर्ट वुड प्रतिवेदन 1935 के आसपास है ये, और इसमें के इसके दौरान केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड का पुनर्गठन किया गया, केब का। और इस दौरान, इस पूरे काल में जो शिक्षा व्यवस्था दी जा रही थी उसके कारण बेरोजगारी बहुत ज़्यादा स्तर पर आ गई थी। तो ये जो प्रतिवेदन है, इस प्रतिवेदन में बेरोजगारी की दृष्टि से शिक्षा का पुनर्गठन, हाँ, व्यवसायिक शिक्षा को इन्होंने, हाँ, बिल्कुल बल तो दिया। हाँ, क्योंकि शिक्षा जो है रोजगार से अगर कनेक्ट नहीं कर रही है, जोड़ नहीं रही है, तो वो ठीक नहीं है। तो बेरोजगारी की दृष्टि से शिक्षा का पुनर्गठन किया। और इसमें एक और, इनको एक और श्रेय जाता है, वो ये है कि सामान्य शिक्षा में जो स्तरीकरण हुआ था उसको इन्होंने एक फ्रेम प्रदान किया, प्रदान किया। और सामान्य शिक्षा की जो क्षेत्र था उसमें जो अवधि का निर्धारण था, इन्होंने 4 साल की प्राथमिक शिक्षा, 4 साल की माध्यमिक शिक्षा, 4 साल की उच्च माध्यमिक शिक्षा और 3 साल की स्नातक शिक्षा का प्रावधान इन्होंने किया था। और इस पूरे प्रतिवेदन का, जैसे कि आपने भी कहा, इस पूरे प्रतिवेदन का जो महत्वपूर्ण अंग था वो ये था कि तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा पर बहुत अधिक बल दिया गया, क्योंकि बेरोजगारी को की समस्या को हल करने का प्रयास भी देखना था, करना था इन लोगों को। इसके बाद आता है बेसिक शिक्षा, वर्धा शिक्षा सम्मेलन। और इस सम्मेलन, वर्धा शिक्षा सम्मेलन का जो एक आकर्षण बिंदु था वो ये बिंदु ये था कि उसमें महात्मा गांधी ने शिल्प पर आधारित बेसिक शिक्षा योजना जो थी उनकी, उसका प्रस्तुतीकरण 1937 में उन्होंने वर्धा में किया था। अभी बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण विषय है कि बाद में हम आज़ादी के बाद इस शिक्षा के स्वरूप को अपने देश में नहीं इम्प्लीमेंट कर पाए, और शायद उसके परिणाम भी हम देख रहे हैं कि 70 साल के बाद भी हम गोल गोल सी भूमिका में ही हैं। और फिर वर्धा सम्मेलन के बाद हम सार्जेंट योजना देखते हैं। सार्जेंट योजना में द्वितीय विश्व युद्ध के बाद की जो परिस्थितियां हैं, उन परिस्थितियों के अनुरूप शैक्षिक पुनर्निर्माण के लिए केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड ने एक योजना बनाई, क्योंकि द्वितीय विश्वयुद्ध के बाद पूरी परिस्थितियां बदल गई, तो उन परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए शैक्षिक पुनर्निर्माण के लिए जो ये योजना बनी, इसको सार्जेंट योजना के नाम से हम जानते हैं। और ये जो सारी जो प्रक्रिया आ रही है, इस सारी प्रक्रिया से आधुनिक भारतीय शिक्षा जो हमारी है भी, इसको कहीं ना कहीं एक दिशा और दशा, मतलब इन्होंने, सार्जेंट ने उत्तरोत्तर, मतलब युद्धोत्तर, युद्ध के बाद के 40 वर्षों को ध्यान में रखकर और एक शिक्षा योजना प्रस्तुत की। हो सकता है कि तब ये बहुत साफ नहीं था कि भारत अगले 3 साल के बाद आज़ाद होने वाला है, क्योंकि जो बुनियादी शिक्षा की संकल्पना थी गांधी की, वर्धा योजना, डॉक्टर जाकिर हुसैन की अध्यक्षता में जो रिपोर्ट आई थी, जिन राज्यों में कांग्रेस की सरकार थी उसे वहाँ लागू किया गया था। और पहले का भी अनुभव था, महात्मा गांधी के पास 2 विद्यालयीय अनुभव थे, मतलब यदि आप अफ्रीका के टॉलस्टॉय फार्म के उनके अनुभव को छोड़ दें, तब भी 1917 में उनके किए 2 प्रयोग, जिसे हम सीधे बुनियादी शिक्षा नहीं कह सकते, चाहे वो पूर्वी चंपारण बिहार का बढ़रवा लखनसेन का उनका केंद्र हो या भितिहरवा पश्चिमी चंपारण का केंद्र हो, इन दोनों स्थानों पर कौशल प्रधान था, मतलब वो इसमें विश्वास रखते थे कि सीखने का या जानने का माध्यम किसी न किसी कौशल को बनाया जाना चाहिए। फिर 1921 में जब असहयोग आंदोलन चलता है, शुरू होता है, तो उस समय एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही गई थी कि आप सरकारी संस्थाओं का विरोध कीजिए, लेकिन यह समझ तब के लोगों को थी कि यदि बच्चे या पढ़ने वाले विरोध करते हैं तो जाएंगे कहाँ, तो उनकी पढ़ाई बाधित न हो इसके लिए राष्ट्रीय विद्यालयों की एक श्रृंखला तैयार की गई, और इस श्रृंखला को 3 विद्यापीठों से जोड़ा गया, गुजरात विद्यापीठ, बिहार विद्यापीठ और काशी विद्यापीठ, ये तीनों ही 1921 में बने और इनसे राष्ट्रीय विद्यालय जुड़े हुए थे। तो हमारे पास जो देशज शिक्षा का अनुभव था वो रुक रुक के ही सही, लेकिन अपना स्वरूप बीच बीच में निखारने की कोशिश कर रहा था। और बुनियादी शिक्षा तक आते आते तो बात बहुत साफ हो चुकी थी, और सार्जेंट ने उसकी बहुत सी अनुशंसाओं को मान लिया था, उन्होंने स्वीकार किया है उसको, और बुनियादी शिक्षा का जो केंद्र था उसमें एक बात तो बहुत ही ठीक थी कि उस शिक्षा ने एक बार फिर से भारतीय शिक्षा की जो खोई हुई चीज़ थी,
वह थी इसकी एकाग्रता और लयात्मकता। हमारी भारतीय शिक्षा की जो शक्ति थी, एकाग्रता और लयात्मकता, ये दोनों गायब थी। औपनिवेशिक शिक्षा ने बड़ी ही चालाकी के साथ इन दोनों को भंग किया जी। अब यूं कहने वाले कहते रहें कि बुनियादी शिक्षा में चरखा और तकली चला के हम आगे नहीं जा सकते थे, लेकिन देखिए चरखा और तकली एक बिंब था उस सीखने का, जिसमें आप किसी भी क्षेत्र विशेष में उस क्षेत्र के सबसे मजबूत आदमी को खड़ा कर दीजिए और उस क्षेत्र के सबसे कमजोर आदमी को बिठा दीजिए और दोनों को कहिए कि भैया चरखा का तो जो सबसे मजबूत आदमी है यदि उसका ध्यान भंग हो जाता है तो चरखे की सूत टूट जाएगी। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। तो यानी चरखा या तकली की पहली मांग है कि आप एकाग्र होइए। आधुनिक भारतीय शिक्षा ने में जो औपनिवेशिक शिक्षा का छाड़न है, इसमें ऐसे एकाग्र होने के क्षण ढूंढने पर भी नहीं मिलेंगे। बिल्कुल सही कह रहे हैं। अब जो एकाग्रता आती है वो यहाँ कहने में कठिनाई है कि जहाँ सर्वाधिक एकाग्रता आधुनिक भारतीय शिक्षा देती है वो यहाँ रेखांकन के योग्य नहीं है। और लयात्मकता, आप तकली और चरखे को चलाइए, सूत काटिए, तो एक लय बद्धता है उसमें। और हमारी शिक्षा तो लयात्मक रही ही है, बच्चों के लय के साथ जुड़ जाना जी। भाई क्यों हमें आज तक बचपन में बिना किसी प्रयास के पढ़े हुए 15 का पहाड़ा याद है और 17 और 19 का क्यों भूल गए? 15 वाला बहुत करीब था हमारे मन के जी। तो ये जो हमारी शक्ति थी, जो ताकत थी, उसमें बिल्कुल आपने ठीक कहा कि आधुनिक भारतीय शिक्षा की जो उत्पत्ति होती है उसमें हमारी जो प्राचीन एक विवाद जो खड़ा होता है उसमें हमारी विरासत, नई चीज़ों का मिलना, और आज हम एक ऐसे स्थान पर खड़े हैं जहां हमें यह तय करना है कि हम अपनी विरासत को एक बार फिर से किस तरह अपनी शिक्षा व्यवस्था में शामिल करें। यहाँ आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद आशीष जी, और हमारे तमाम शिक्षार्थियों को आपने जो इतनी महत्वपूर्ण बल्कि इतनी लंबी यात्रा आपने इतने आराम और आनंद से इतने कम समय में करा दिया, यह तो बड़े ही आश्चर्य की बात है, और उससे हमारे शिक्षार्थियों को फायदा होगा, लाभ पहुंचेगा। इसी उम्मीद और अपेक्षा के साथ आपका बहुत बहुत आभार, सबकी ओर से आप सबका धन्यवाद।